नमस्कार दोस्तों, टेक वाई आर्य सर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि इजोटी से अल्फाबेट याद कैसे करें जल्दी से जल्दी, और जल्दी से हम जिससे कि हमारे क्वेश्चन कोई मिस ना हो और हम अपने कोडिंग रिकॉर्डिंग अल्फाबेट सीरीज और काफी चैप्टर है उनके क्वेश्चनों को कैसे जल्दी से जल्दी करें। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हम इजोटी से जल्दी अपने क्वेश्चनों को याद, अल्फाबेट को कैसे याद करते हैं। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाना आपके समझ में आता हो, अगर आपको लग रहा हो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लग रहा है। तो देखो दोस्तों, एजोटी हमें पता है कि इतना तो हम देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं कि हमारा ई 5 पे होता है, जे हमारा 10 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है, हमारा 20 पे होता है और बाई हमारा 25 होता है। तो कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि हम इनके बीच में इसे याद करने के बाद भी हम भूल जाते हैं। तो आज के बाद आप नहीं भूलोगे दोस्तों, ये मेरा विश्वास है, मैं कह सकता हूं। तो देखो, हमेशा किसी भी संख्या को अगर देखो, एक मैं आपकी ज्यादा नहीं टाइम दूंगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, अगर मैं बोलूं कि मेरा 5वें स्थान पर ई है, अगर 5वें स्थान पर मेरा ई है, तो इससे पहले कितनी संख्या होंगी, होंगी तो चार ही। तो ऐसे ही दोस्तों मैं कुछ आपको ट्रिक्स से बताऊंगा या कुछ थोड़ा मेथड सिखाऊंगा जिससे कि आप बोलो ना। तो देखते हैं, ई हमारा 5 पे, अगर ई से पहले कितने स्थान होंगे हमारे पास, 1 2 3 4। अगर हम देखें तो ए बी सी और डी हो गया दोस्तों। अब इसमें देखने की क्या बात है, हमें देखने को मिला ये हमारा 5 पे, और 5 से पहले कितने स्थान होंगे जो हमारे क्रम से चले होंगे। अब जो हमारा डी 4 पे हो गया, ई ई के बाद ई से पहले डी 4 पे, सी उससे पहले, ए उससे पहले और बी से पहले ए, मतलब ए पहले स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे और डी चौथे स्थान पे। अब आते हैं हम जे पे, जे और ए के बीच में कितने स्थान होंगे। देखो जे 10 पे हो गया, जे 10 पे हो गया और जे 5 पे, अगर हम मान लो 5 6 7 8 9 1 10, हमारे यहां बीच में भी स्थान 4 बचे। अगर बीच में 4 स्थान बचे हैं कि हमने देखा ई 5 पे, ई हमारी 5 पे होती है और जे पे हमारा 10 होता है, तो हम इसके बीच में अब क्या करें, हम इन दोनों के बीच में देखो ई 5 पे और जे, जे से पहले क्या आता है, आई आता है और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। अब इन दोनों में क्या होता है, हमें मैंने आपको अपनी एक पहले की वीडियो में बताया होगा, जी हमारा 7 पे होता है, इसमें जी हमारे में, जी खुद कहती है मेरे अंदर 7 है, और 8 एच पे होता है और एच भी कहती है मेरे अंदर 8 है। समझे ना दोस्तों, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अगर हमारा 5 5 6 7 8 9 1 10, ई पे तो 5 पे तुम्हारा ई हो गया और जे पे हमारा 10 पे हमारा जे हो गया, एफ तो 6 होता ही है, मैंने आपको बता दिया, देखो जे कर दिया बन गया उल्टा 6, और हमारा इधर आई, हम ज्यादातर आई एफ लिखते हैं और इस पे हम यू लिख देंगे, तो आई 9 पे हो गया। जी खुद कहती है कि मेरे अंदर 7 है और एच खुद कहता है मेरे अंदर 8 है। देखो दोस्तों, है इसके अंदर 8, जी के अंदर 7 है और एच के अंदर देखो 8 है। बस आपको देखो, ये देखो यहाँ पे एच, अगर यहाँ पे इसके ऊपर ये लगा दें और इसके ऊपर ये लगा दें तो 8 हो गया, मतलब कुछ ऐसा ही दिखता ना एच, तो एच 8 पे हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा यहां से यहां तक हो गया। अब यहां पे देखते हैं 10 11 12 13 14 15, जे तुम्हारा 10 पे हो गया और ओ 15 पे हो गया, 11 का मतलब किंग 11 पंजाब, 11 पंजाब जो कि क्रिकेट की एक टीम है, मतलब के 11, मैं बोल रहा हूं किंग 11 पंजाब जो कि एक किंग 11 11 आ गया कि नहीं आ गया, 11 पक्के और 11 मतलब के 11 पे है। एल एल का तो पता है दोस्तों कि भाई लव, और जब जिसको एक बार लव की बीमारी होता है वो कभी सुधर नहीं चलता है, उसके तो पूरे 12 लग जाते हैं, कहते हैं ना
एक बार एक सब चढ़ा जो बुखार कभी नहीं उतरता है, पहले बार रुपये हुई और 13 के अंदर तो हमें सीधे बोलता है कि 13 केस में एक एम है। देखो दोस्तों एम होगी, यूँ देख लो टाइम दिखेगी या यूँ लगा दो तो 13 दिखेगा। हम कह सकते 13 के अंदर एक एम होती है। 14 के अंदर दोस्तों एन हमें दिख रही होगी, 14 के अंदर एन, हमें इसमें एन के अंदर 14 कैसे दिख रहा है। देखो दोस्तों ये देखो ये हो गया, अगर हम इसे यू करते हैं ऐसे यू करते हैं तो ये 14 दिख रहा है, दिख रहा है देखो उल्टा 14 हो गया। तो एन के अंदर हमारा क्या हो गया 14, एन एन हमारी होती 14 पे, और 15 का हमें पता ही होता है, 15 से 20 के बीच 20 मतलब इस पे 15 पे हो गया और इधर हो गया। हम देखेंगे 16 17 18 और 19 30 पी होती है 16 पे, और पी के अंदर हमें 6 दिखता है उल्टा। अगर हम इसे यहाँ लगा दें तो यूँ करते हैं सर, हो जाता है तो 16 हो जाएगा उल्टा, तो सीधी सी बात पी के अंदर 16 होता है, तो 16 पे क्या होगा हमारा दोस्तों पी। और मैंने सीधी सी बात जाहिर सी बता दी कि ये हमारा क्यू है, क्योंकि हम क्यू को याद करने की जरूरत नहीं, हमें पता है पी 16 पे पी होती है और 18 होती है, और क्या कहते हैं 18 पे आर होती है, तो हमें दिख रहा होगा इसके अंदर देखो 18 से दिख रहा है कुछ महसूस हो रहा होगा, लगभग 18 इतना है। हम कह सकते हैं कि आर 18 का होती है। हम ऐसा तो मैंने आपको बताया कि ऐसा क्या है, यह हमारी इस प्रकार होती है। अब हम इसको ऐसे लगा दें और कुछ 9 जैसी लगती है, अब हमें पता है कि ओ और टी के बीच में ले आ रहे हैं, तो मतलब 15 होगा, मतलब हम कह सकते हैं अगर जे और टी के बीच में चलेंगे तो हमें एक ही वैल्यू लगानी किसी भी संख्या के बीच में, एक लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 पे हमारा, तो ऐसे कितने में कितने पे होगा दोस्तों 19 पे। और यहाँ पे ये टी और बाई, अब टी हमें पता है 20 होती है और जे होता है 25 होता है, क्या बचा हमारा 21 22 23 और 24। 22 पे जो 20 तो होगी, मैं बताइए जल्दी से 20 21 बी 21 बी पे नहीं दोस्तों यू होता है, ओनली एक रेखा, जहां में एक रेखा दिखेगी वहां 21 पहला 1, आप इसे देखिए इसमें एक रेखा हमारा पहले 1, तो पहले यू आएगा और फिर बाद उसके बाद बी आएगा, इसमें दो रेखा दो कैपिटल। दोस्तों ये भी समझ आ गया, 21 पे यू होता है और 22 पे बी होता है और 23 पे हमारा डब्ल्यू होता है। अब इसमें देखो डब्ल्यू में कैसे आता है, हमें पता है टी और बाई के बीच में होता है, मतलब 20 और 25 के बीच में होगा, 25 के बीच में होगा दोस्तों। अगर हम इसके आगे 25 के अंदर अगर इसके आगे 2 लगा देंगे तो 23 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा W होता है वह 23 पे होता है। X का एक रेखा देखो दोस्तों, ये भी एक रेखा, ये भी हमारे पास एक रेखा, ये भी और ये रेखा, ये बिंदु हमारे पास ये, अगर 4 रेखाएं हमारे पास और ये बता हमें ओ टी और बाई के बीच में आता है, तो मतलब 20 और 25 के बीच में आता है, मतलब 24। और जाहिर बात अब बाई तो आपको 50 पता है 25 पे और जेड पता है 26 पे। दोस्तों आपको एजोटी से टिप के साथ मैंने आपको एलिवेट सीरीज याद कराई, एलिवेट कैसे याद करते हैं जल्दी जल्दी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।